नमस्कार दोस्तों, अगर आप PSL के बारे में YouTube पर वीडियोस देखते हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही जरूरी है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और अच्छी तरह समझें। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि लुधियाना के आंदोलन के बाद सेबी या लोडा कमेटी की तरफ से कोई भी विशेष सूचना नहीं आई, लेकिन दोस्तों कुछ लोगों ने PSL के न्यूज को मजाक समझ लिया है। कोई न्यूज ना होने पर भी PSL के नाम पर 10-10 मिनट की वीडियो बनाकर लोगों का टाइम खराब कर रहे हैं। मैं उस चैनल का नाम नहीं लूंगा, आप खुद समझदार हैं, आप इतना समझ सकते हैं कि न्यूज क्या होता है। कुछ लोग PSL के नाम पर 10-10 मिनट तक बेफालतू में इधर उधर की बातें करके टाइम पास करते हैं। आपने देखा होगा कि मेरी किसी भी वीडियो में मैंने बेफालतू की बातें नहीं की। अगर मेरे पास कोई न्यूज है जिसे मैं आप सभी को 1 या 2 मिनट में समझा सकता हूँ तो दोस्तों मैं आपको 1 या 2 मिनट की वीडियो बनाकर सारी जरूरी जानकारी दे देता हूँ। लेकिन दोस्तों कुछ लोग हैं जिस न्यूज को 1 मिनट में लोगों को बताया जा सकता है, अपने फायदे के लिए उसको भी 10 मिनट तक लंबा खींचकर इधर उधर की बातें करके आप लोगों का टाइम खराब कर रहे हैं। और दोस्तों कभी कभी हद ही हो जाती है, उनके पास PSL की कोई नई जानकारी ना होते हुए भी 10 मिनट की वीडियो बनाकर YouTube पर डाल देते हैं। दोस्तों आप सभी PSL में पैसे निवेश करके पहले से ही परेशान और दुखी हैं। आप YouTube पर आते हैं यह सोचकर कि मुझे PSL के बारे में नई जानकारी मिलेगी, लेकिन आपको मिलता क्या है, 10-10 मिनट तक का बकवास। मैं दोस्तों उनको मना नहीं कर रहा कि आप 10 मिनट की वीडियो मत डालो, आप चाहे आधे घंटे की वीडियो डालो, पर कुछ काम का तो हो। और तो और दोस्तों, अपनी वीडियो में इतना कुछ बकवास करने के बाद वो यहाँ तक कहते हैं कि मेरा चैनल सबसे बेस्ट है, मेरा चैनल सबसे पहले न्यूज़ देता है, अपने चैनल की खुद ही तारीफ करते हैं। दोस्तों आपने मेरी सारी वीडियो देखी होंगी, मैंने कभी अपने चैनल की खुद तारीफ नहीं की, मुझे बस आप लोगों तक जरूरी न्यूज़ पहुँचाने से मतलब है। दोस्तों मैं चाहता तो नहीं था कि आपको यह वीडियो बनाकर आपको यह सब बताऊं, लेकिन पानी सर से ऊपर जा चुका था। दोस्तों PSL के न्यूज़ को मजाक समझ लिया है कुछ लोगों ने, ऊपर PSL का नाम लिखकर लोग कुछ भी वीडियोस डाल देते हैं। दोस्तों आप सब समझदार हैं, आपको यह बातें समझनी होंगी कि क्या गलत है क्या सही। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस मैं आपको यही बताना चाहता था और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। और दोस्तों अगर PSL के बारे में कोई सच्ची न्यूज़ आती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। फिलहाल PSL से रिलेटेड कोई न्यूज़ नहीं आ रही है, अगर कोई नई खबर आएगी तो आपको हमारे चैनल के द्वारा पता चल जाएगा। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी बात सही लगी या गलत। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कर दें ताकि दोस्तों मुझे पता चल जाएगी आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई है। तो दोस्तों चाहे आप लाइक करना भूल जाएं वीडियो को, लेकिन दोस्तों आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको मेरी बात सही लगी कि नहीं, आपको ऐसी बेफालतू की वीडियोस YouTube पर मिलती हैं कि नहीं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस आपको इतना ही बताना चाहता था। तो दोस्तों मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में कुछ जरूरी इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।